अरे भाई। हाँ भाई। वायरस की वजह से तुम मास्क नहीं पहनते? भाई इस कपड़े के टुकड़े पर क्या भरोसा रखना है, रखना है तो उस ऊपर वाले पे रखो। एक युवक कोरोना का मजाक बनाते हुए चाइना के सोशल ऐप टिकटॉक पर एक वीडियो बनाता है और कुछ समय के बाद उसी युवक को कोरोना पॉजिटिव निकल आता है। नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। हम बात कर रहे हैं सागर की, जहां पर पहला कोरोना पॉजिटिव का केस सामने आया है और युवक जमकर चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि उसके टिकटॉक वीडियोस वायरल हो रहे हैं। फिलहाल एक उसका जो वीडियो है टिकटॉक का, जो उसने अस्पताल से ही बनाया है जहां पर फिलहाल वो भर्ती है, इसको आप देख लीजिए, जिसमें ये युवक सलामती की दुआ कर रहा है और लोगों से अपील भी कर रहा है। मेरे भाई प्लीज़ अपना सपोर्ट हमेशा मेरे ऊपर रखना, मैं आज से वीडियो नहीं डाल पाऊँगा टिकटॉक पे, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे कोरोना बताया है कि कोरोना वायरस हो गया मुझे। ठीक है मेरे भाई, सपोर्ट रखना और अपनी अपनी दुआ करना मेरे हक में। बस भाई लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना और अपनी दुआओं में को याद रखना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बस दुआ करना कि इस बीमारी से सबके शफा मिले। हमें अस्सलाम वालेकुम। हालांकि प्रशासन के आदेश हैं कि कोविड 19 के जो भी मरीज हैं उनकी जो पहचान है वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, लेकिन इस युवक ने टिकटॉक वीडियो के माध्यम से अपनी पहचान यहां पर खुद ही उजागर कर दी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसका जो वीडियो बाद में सामने आया, जिसमें कोरोना मास्क पहनने को लेकर वीडियो में वो ये कहते दिख रहा है कि उस जो कपड़ा है उस पर भरोसा क्या करना, ऊपर वाले पर भरोसा है, तो उसमें ये बातें कही जा रही हैं, जिसको लेकर ये युवक जो है वो ट्रोल हो रहा है क्योंकि खुद उसको कोरोना पॉजिटिव निकला है। अरे भाई। हाँ भाई। वायरस की वजह से तुम मास्क नहीं पहनते? भाई इस कपड़े के टुकड़े पर क्या भरोसा रखना है, रखना है तो उस ऊपर वाले पे रखो। आप कोरोना वायरस को मजाक में नहीं ले सकते। जो दिन में एक बार मुंह नहीं धोते थे वह 10 बार हाथ धोते हैं। सागर जिले में ये पहला मामला है और जहां पर ये युवक रहता है कृष्णगंज वार्ड में, उस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और जो इससे लगे हुए वार्ड हैं, जैसे शनिचरी है, लाजपतपुरा है, तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा सावधानी और सतर्कता इस दौरान बरती जा रही है और तुरंत ही उस इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया था। और ये युवक जो है, बताया जा रहा है कि टिकटॉक वीडियो बनाने का काफ़ी इसे शौक़ है, तो जहाँ जहाँ इसने टिकटॉक अपने वीडियो बनाए हैं उस जगहों को भी पता करके प्रशासन द्वारा वहाँ पर भी सैनिटाइज किया जा रहा है और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है लोगों से सावधानी बरतने के लिए कि अपने घरों में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें। क्योंकि अगर फिलहाल की हम बात करें तो 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक ने संपूर्ण लॉकडाउन सागर में लगाया हुआ है, 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की अवधि है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक चर्चा की है, जिसमें लॉकडाउन बढ़ाने पर कई सारे मुख्यमंत्रियों ने यहां पर अपनी अपनी राय दी है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो इस बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये जो पूरी हुई है, उसमें जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग, उनने अपने कई सारे यहाँ पर सुझाव भी दिए हैं। क्योंकि फिलहाल अभी जो संकट की घड़ी है वो टली नहीं है, भारत में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सागर में ये पहला मामला है, लेकिन बात इस पर हो रही है क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी पेशेंट सामने नहीं आया था, लेकिन ये पहला मामला है और इसके जो परिजन हैं और इसके जो सहयोगी हैं, जैसे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या जो अन्य लोग हैं, उनकी भी यहां पर तलाश की जा रही है। हालांकि जो परिजन हैं उसके जो रिश्तेदार अभी पकड़ में आए हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। युवक को भी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, वहाँ पर उसका लगातार इलाज किया जा रहा है। और ऐसे लोगों की भी तलाश की जा रही है कि जिन लोगों के संपर्क में ये युवक इस दौरान आया है, और तमाम चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखी जा रही हैं। क्योंकि जब रायसेन ज़िले में या विदिशा में जब मामले सामने आए थे, तो
तो वहाँ पर की जो सीमाएं हैं, चूँकि सागर से लगा हुआ ये क्षेत्र है, तो जो ज़िले की जो सीमाएं पूरी तरीके से सील कर दी गई थी, और फिलहाल में भी सागर ज़िले की जो सीमाएं हैं या जो हम कहें बॉर्डर हैं वो भी पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं। कलेक्टर SP लगातार मौके का मुआयना भी करते रहते हैं, जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चप्पे चप्पे पर और हर गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं, और पुलिस प्रशासन तो मुस्तैदी के साथ अपना कर्तव्य निभा ही रहा है। जगह जगह पर पॉइंट बनाए गए हैं, पुलिस तैनात है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लोगों जो आवाजाही है, क्योंकि अभी वर्तमान की हम बात कर रहे थे तो संपूर्ण लॉकडाउन है, ऐसे में जो आपातकालीन जो चीज़ें हैं या जो सुविधाएं वो फिलहाल खुली हुई हैं। लेकिन एक बात और भी, अभी क्योंकि जब मरीज सामने आ गया है कोरोना पॉजिटिव का सागर में, तो सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, इसलिए अब वार्डों में सब्जी है या जो दूध है वो नगर निगम के माध्यम से वितरण किया जाएगा। इसलिए जो लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, और जो टोल फ्री नंबर प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं उस पर आप फ़ोन लगा सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए है, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अलग अलग लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या जो अन्य दूसरे लोगों के उसमें नंबर दिए गए हैं उस पर आप जानकारी लगा कर ले सकते हैं। और सागर TV न्यूज़ की एक बार फिर से आप सभी लोगों से अपील है, क्योंकि जो लोग भी अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में कोरोना अभी तक नहीं है और आ नहीं सकता है, तो दोस्तों एक बात याद रखिए, कुछ समय पहले ये भारत में भी नहीं था, मध्य प्रदेश में भी नहीं था, सागर ज़िले में भी नहीं था, लेकिन अब सागर ज़िले में इसकी दस्तक हो चुकी है कोरोना की। इसलिए समय जो है संकट भरा है, और ये ऐसा समय है कि एक दूसरे पर लांछन बिल्कुल नहीं लगाना है, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है, क्योंकि पूरा देश इन दिनों संकट से जूझ रहा है। इसलिए सभी लोग जो हैं वो सतर्कता बरतें, सावधानी इस दौरान रखें, और जो बातें कही जा रही हैं जागरूकता के लिए, उन सभी चीज़ों का लोग यहां पर पालन करें। जैसा कि कहा जा रहा है कि हाथ बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, और ये भी कहा जा रहा है कि मास्क अपने चेहरे पर लगाएं, सोशल डिस्टेंस यहां पर बनाएं, तो जो तमाम चीज़ें हैं उन बातों का यहां पर ख्याल रखें। सागर TV न्यूज़ फिर एक बार आपसे अपील करता है, घरों पर ही रहें, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर TV न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।